अरे अभी नहीं, शादी के बाद। मैं डैडी, तू मम्मी। ओ नितिन, मेरे डैडी है सामने। कहाँ? छोड़। अरे इस तरह कंधे पे उठा के गली गली घुमाने के लिए पैदा नहीं किया मैंने इसे। तुम दोनों को अगर एक बार फिर से देख लिया ना, हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। चलो अंकल जी, अपना वादा मत भूलो। आप और मेरे पिताजी ऐसे ही गली गली में मछलियां बेचा करते थे। आपने मेरे पिताजी से वादा किया था कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। अरे तो जब लॉटरी निकल गई तो खत्म वादा, भूल गए सब कुछ? हाँ भूल गया। अगर मैं अपना वादा निभाकर इसे तुम्हारे हवाले कर दूं ना, तो तुम दोनों इसकी तरह हाथ फैलाकर भीख मांगते रहोगे सड़क पर। हाँ ये मत भूलो अंकल, हर कुत्ते का दिन आता है, मेरा भी आएगा। मैंने भी लॉटरी टिकटें निकालना शुरू कर दिया है। आज जिस दिन लगेगी ना, तब आके मुझे बता देना। और तू चल साली बैठो, आज बता देना मुझे तू। अंजलि, ए सुश, छोड़ कुत्ता। नितिन! जी मैडम। मेरे साथ मजाक करेगा तू? हाँ, कितनी महंगी पैंट थी और तूने फाड़ दी। हाँ, तुम्हारी 8 महीने की पगार कट। मैडम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बक, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कितना भी काम कर लूं आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा, जो मेरे पिताजी ने आपसे लिया था। हर बार मैं कुछ अच्छा काम करने जाता हूं, वो सड़ा हुआ कुत्ता आके खराब कर देता है। मेरे कुत्ते को कुत्ता बोलेगा तू? हाँ, वो मेरा बेटा है, तेरा मालिक है वो। तमीज से पेशा उसे मूलचंद जी बोलो, मूलचंद जी। जाकर सॉरी बोलो से। क्या बोलेगा? मूलचंद जी सॉरी। हाँ, अब जाकर मेरी गाड़ी तैयार कर, लेट हो रही हूँ मैं ऑफिस की वजह से, तुम्हारी वजह से। अरे जल्दी कर गधे की औलाद। जी माता जी। क्या मनुष्यत है ये? पहले मेरे कपड़े फाड़े, अब अपने कपड़े फाड़ लिए। मैडम मेरा सूट तो पहले से ही फटा हुआ है, जगह जगह छेद है, बटन हवा में झूल रहा है। पता नहीं कितने सालों से एक ही ड्रेस को सेफ्टी पिन से लगा के अपने बदन से जोड़ा हुआ है। बस करो मैडम, एक नया सूट ले दो। तुम्हारे पिताजी ने बरसों तक यही सूट नहीं पहना है? उन्होंने तो कभी कंप्लेन नहीं किया। दिवाली आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे मेरा दिवाला निकल गया। मैडम मैं आपका ड्राइवर हूँ, एक सूट ले दो। दिवाली के लिए कुछ सोचा है मैंने, पसंद आएगा तुम्हें। अब चबड़ चबड़ करके और लेट मत करो। मैडम दिवाली का वक्त है, एक नया सूट ही ले लीजिए। ये देखिए, नाड़ा बांधा हुआ है और पैंट को रोका हुआ है, प्लीज। मेरा ड्राइवर सूट नाड़े के साथ या बिना नाड़े के साथ पहनकर गाड़ी चलाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम आज दिवाली का दिन है, एक एहसान करिए मुझ पे। क्या? मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। निकाल दूंगी, लेकिन पहले वो लोन तो चुकता करो जो तुम्हारे पिताजी ने मुझसे लिया था तुम्हारी पढ़ाई के लिए। उनके हस्ताक्षर किए हुए सारे कागजात हैं मेरे पास। अगर तुमने भागने की कोशिश की ना, तो सारी उम्र जेल में सड़ना पड़ेगा, याद रखना। और सिंगापुर जेल में क्या होता है मालूम है ना? क्या होता है मालूम है? कोड़े पड़ते हैं, कोड़े। जाना है। ये पागल गधा साला, ये कोई रास्ता है गाड़ी रोकने का? साला एक सेकंड और लेट होता ना तो गाड़ी के नीचे आके मर जाता था तू। किसने बोला था वो ब्रेक मारने के लिए? अच्छा बोला, आत्महत्या कर रहा था मैं, शांति से कोई मरने भी नहीं देता। अरे तेरे को दूसरी कोई गाड़ी नहीं मिली सिंगापुर में जो मेरी गाड़ी के सामने मरने आया? दूसरा कोई रास्ता नहीं मिला तेरे को? बहुत सारे रास्ते कोशिश किए मैंने, मिश्रा मैंने जहर खाने की कोशिश की, जबकि जेब में पैसे नहीं है। फांसी लगाने की कोशिश की तो रस्सी जहर से महंगी निकली है। अपने आप को आग लगाने की कोशिश की तो पता चला पेट्रोल रस्सी से भी महंगा। अरे ऐसा क्या है जो तुम मरने के लिए इतना तरस रहा भाई? तो ऐसा क्या मैं जीने के लिए तरसू? और तू जानता है कभी कभी तो अंजलि पैसे दे दिया करती थी, अब तो उसका भी ब्याह हो रहा है,
वो आमदनी भी मेरी खत्म हो गई है। तू टेंशन मत ले, चल वैन में बैठते कहीं जाते हैं, आराम से सोचते हैं और फैसला करते हैं। हा? क्या ये मरना कैसे है, और अगर प्लान अच्छा लगेगा तो मैं भी तेरे को ज्वाइन करूंगा यार, चल।